हाय गाइस, आज संडे है और इसलिए हमने एक्टिवा राइड प्लान की है। और यहाँ आज हम जा रहे हैं रोकड़िया हनुमान, जो यहाँ से 94 किलोमीटर दूर है। और ध्रोल होके वो उसका रास्ता जाता है, लेकिन रिटर्न में हम कोई दूसरा रास्ता प्लान करेंगे। और आज तारीख है 14 जुलाई 2024। अभी अभी हमने एक ब्रेक लिया है 10 मिनट्स का। अभी हमें निकले हुए 1 घंटा हो गया है और अभी वाटर ब्रेक चल रहा है। राजकोट जामनगर हाईवे पे है और टाइम हुआ है 8:30 बजे है। और यहाँ से ढोल अभी करीबन 18 किलोमीटर दूर है। शायद हम ढोल में छोटा सा ब्रेक लेके और कुछ नाश्ता भी करेंगे। सुबह के 9 बजे हैं और मौसम बहुत अच्छा है। ये जो आप हाईवे देख रहे हो, ये नया बना है जो जामनगर से डायरेक्ट अमृतसर को कनेक्ट करता है। ये नेशनल हाईवे है और दो 4 लेन का हाईवे है, 2 लेन इस तरफ और 2 लेन उस तरफ। लेकिन अभी गुजरात में कुछ वाइट का काम चालू है, इसलिए ये हाईवे पूरी तरह से नेशनल नहीं है। लेकिन कुछ जगह राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में पूरा ये हाईवे ऑपरेशनल है।
भी रास्ते में चलते चलते एक इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला। मैं अभी आपको मेरे पीछे दिखाती हूँ क्या है। और पूरा हाईवे खाली है अभी, जाना पड़ता है। और गोवा में जो सभी जगह ऐसी ही ब्यूटी है, पर अभी अच्छा है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही तो जाने में कोई दिक्कत नहीं लग रही। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और अभी हम रोकड़िया हनुमान पहुँच गए हैं और ये विलेज का नाम है जीरागढ़ और हमने दर्शन कर लिए हैं, प्रसादी भी ले लिए, लेकिन मंदिर में से हम कभी भी शूटिंग नहीं करेंगे। और ये अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे सभी भक्ति करने आते हैं तो ऐसे हम शूट करते हैं तो ये बिल्कुल बराबर नहीं लगता। वापस ना जाके दूसरा कोई रास्ता ट्राई करें।
छोटा सा ब्रेक लिया है, क्योंकि हम जितनी देर से चले तो अभी तक कोई ऐसा ब्रेक लिया नहीं था, तो अभी हम थोड़ी देर रुकने वाले हैं यहाँ पे, कि वहाँ इतना सुंदर नज़ारा है। दोपहर का 1 बजा है और हम राजकोट मोरबी हाईवे पर आ गए हैं और अब यहाँ से 32 किलोमीटर राजकोट भी है। राजकोट से एकदम नज़दीक है, यहाँ से राजकोट सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है, तो अभी लेट तो कितना बजे अभी लेट हुआ है और अभी रतनपुर गांव है, यहाँ पे बहुत ही फेमस रतनपुर का राम मंदिर है और मैक्सिमम 2 अराउंड हम घर पे पहुंच जाएंगे।